दोस्तों, एनर्जी को अपनी काबू में लाना बहुत ही मुश्किल बात है। तो जब हम बात करते हैं एक बुलेट की, तो बुलेट को काबू करना उतनी ही मुश्किल की बात है जब जो एक एनर्जी को काबू करने में लगता है। तो ये बुलेट हम कैसे रोक सकते हैं? तब आपके मन में तो एक ही आंसर आता ही होगा, जो है बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है, कैसे वर्क करती है, आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहिए, पूरा तरीके से देखते रहिए, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है, क्या और क्या कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट दोस्तों दो तरीके की होता है, एक होता है हार्ड बॉडी आर्मर, दूसरा होता है सॉफ्ट बॉडी आर्मर। तो हार्ड बॉडी आर्मर क्या है आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं और आप इससे कैसे एक बुलेट को रोक सकते हैं? तो हार्ड आर्मर क्या होता है दोस्तों, जो हार्ड आर्मर है, तो उससे बताने से पहले मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों तैयार हुआ था। तो पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने में छुरी भाला या फिर आप कोई भी हथियार यूज़ कर, जो भी सेना या लोग यूज़ करते थे, राजा यूज़ करते थे, तो वो क्या हथियार थे, वो हथियार एक प्लेट को छीन नहीं सकता। लेकिन जब डेवलप होता गया तब आया एक गन सिस्टम आया, गन से बुलेट निकलते हैं। तो बुलेट जब निकलते हैं तब उसमें इतना क्षमता होती है जो एक प्लेट को आसानी से छेद कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों जब गन का तैयार हो गया, जब गन युद्ध में यूज होता चला गया, तब आया बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट इसीलिए आया था कि एक बुलेट को रोक सकते हैं या फिर कोई भी आर्मर को रोक सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे हार्ड आर्मर की, हार्ड बॉडी आर्मर कैसे हुआ करते हैं। तो दोस्तों हार्ड बॉडी आर्मर में क्या होता है, हार्ड बॉडी आर्मर प्लास्टिक, सिरामिक्स और थिक मेटल प्लेट यूज़ होता है। ये सिरामिक्स, प्लास्टिक और थिक मेटल प्लेट, ये तीनों एक साथ करके एक हार्ड बॉडी आर्मर बनाया जा सकता है। जो हार्ड बॉडी आर्मर है वो आप देख सकते हैं कि आर्मी अपनी ड्रेस के ऊपर पहनते हैं जब युद्ध में जाता है, तो ऐसे ही हार्ड आर्मर वो लोग यूज़ करते हैं जो सेना के लिए है या फिर कुछ सुरक्षा कोई प्रबंधी में है, तो वो लोग हार्ड आर्मर की यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हार्ड आर्मर तो बहुत भारी है, बहुत ही एक सोच के देखिए, एक बॉडी हार्ड आर्मर बहुत ही भारी है, बहुत ही मोटी है। तो अब बात करते हैं सॉफ्ट बॉडी आर्मर, डेवलप होता गया और निकल के आया सॉफ्ट बॉडी आर्मर। तो सॉफ्ट बॉडी आर्मर क्या है, ये कैसे वर्क करती है? तो जो सॉफ्ट बॉडी आर्मर है वो क्या होता है कि एक मान लीजिए एक ड्रेस की तरह होता है, जो भी आप बोल सकते हैं एक जैकेट की तरह, या फिर बता सकते हैं कि टी शर्ट की तरह नहीं होता, जैकेट की तरह होता है या एक नॉर्मल सा ड्रेस की तरह होता है। तो नॉर्मल सा ड्रेस जो बॉडी आर्मर है, तो जो वो उससे कहते हैं सॉफ्ट बॉडी आर्मर, जो इतनी थिक और बहुत ही थिक होता है जिससे आप एक आसानी से पहन सकते थे। तो वो दोस्तों कहाँ कहाँ पर पहना जा सकता है, तो वो जो थिक बॉडी, जो सॉफ्ट बॉडी आर्मर है वो लोग यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स लीडर और भी जो बिजनेसमैन टाइप्स होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान देते हैं, तो वो लोग सॉफ्ट बॉडी आर्मर को पहनते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गोली लगती है तो नहीं लगती। तो सॉफ्ट बॉडी आर्मर वो भी तो एक पतला सा एक बोल सकते हैं एक जैकेट हो जाए, तो वो कैसे वर्क करती है, वो भी तो पतला ही है। तो बुलेट इतनी पावरफुल बुलेट को कैसे रोकती है? तो दोस्तों अब बात करते हैं जो सॉफ्ट बॉडी आर्मर में क्या यूज़ होता है। तो सॉफ्ट बॉडी आर्मर में यूज़ होता है केविलर यूज़ होता है। तो दोस्तों सॉफ्ट बॉडी आर्मर में यूज़ होता है केविलर। तो केविलर क्या है, केविलर क्या होता है कि केविलर एक ऐसा कपड़ा है जो एक स्टील से 5 से 10 गुना बेहतर है। वो अपनी क्षमता से, वो जो केविलर है वो एक स्टील से भी 5 से 10 गुना ज़्यादा अधिकतर पावरफुल है, तो वो इजीली एक बुलेट को रोक सकती है। तो एक बुलेट को जब रोकने की बात आती है, तो दोस्तों जो बुलेट आप, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक सैंपल देता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं फुटबॉल खेलने के वक्त आपका जो गोल, आप जो फुटबॉल फेंकते हैं या फिर लात मारते हैं, तो वो बॉल जाके क्या होता है, नेट पे लगती है। तो नेट क्या करता है, नेट वो बॉल को जब ऐसे लगता है तो वो नेट करता है, ऐसे लगने के साथ साथ वो पीछे जाती है, पीछे जाके वो उससे
उसकी पावर को नष्ट कर देती है, तो वो बॉल गिर जाता है और नेट बॉल भी नेट के बाहर नहीं जाता, वो पीछे जाता है लेकिन नेट के बाहर नहीं जाता। तो सॉफ्ट बॉडी आर्मर या केविलर में ऐसे ही सिस्टम है, जो आपका जो ये है वो जो बुलेट है तो वो एक स्टील बॉडी आर्मर ऐसे एक बॉडी के ऊपर रहता है, तो जब ये बुलेट आके लगती है तो बुलेट क्या करती है, ये ऐसे अंदर घुस जाता है थोड़ा सा, तो इसका जो पूरा बुलेट का जो पावर था वो पूरा जो स्टील केविलर की जो जैकेट है उस टोटल बॉडी में वो सेंड कर देता है, वो जो पावर है वो पूरा बॉडी में सेंड करने के साथ साथ बॉडी को झटका लगता है, लेकिन वो आर्मर और जो वो जो केविलर है वो बुलेट को छेद के बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे ही दोस्तों काम करते हैं आपका केविलर या जो सॉफ्ट बॉडी आर्मर में यूज होता है। अब बात करते हैं जब एक हार्ड बॉडी आर्मर में आप एक सॉफ्ट बॉडी आर्मर का हार्ड बॉडी आर्मर में कैसे होता है। तो एक जब आर्मी मिलिटेंट को पावर की ज़रूरत पड़ती है कि जब गोलीबारी ज़्यादा होती है, पावरफुल गोली होती है तो बुलेट होती है, तो वो बुलेट को रोकने के लिए वो सॉफ्ट बॉडी आर्मर में वो जो प्लेट होती है सिनेमिक्स या फिर आप बोल सकते केविलर, वो पॉकेट होता है, तो पॉकेट के अंदर देने के साथ साथ वो एक हार्ड बॉडी आर्मर में हो जाता है। तो सॉफ्ट बॉडी आर्मर आप कहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्ट बॉडी आर्मर जो भी VIP है, पॉलिटिक्स लीडर है, तो वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी या फिर अब बात करते हैं बहुत ये डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग हमेशा बॉडी आर्मर करते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं क्यों देता, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर पहनते हैं, उसके ऊपर ड्रेस पहनते हैं। तो वो सॉफ्ट बॉडी आर्मर एक ऐसा फ्लेक्सिबल ड्रेस है जिससे पहनने के वक्त आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो एक जैकेट की तरह इजीली पहन सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर में दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो केविलर है वो तो क्या करता है, जो केविलर है वो और इम्प्रूव होगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ केविलर इम्प्रूव हो क्या क्या होगा। अब जब हम गोली लगते हैं तो गोली लगने के साथ साथ मैंने जो बताया तो वो अंदर घुस चुका है, अंदर घुस जाता है, तो अब जो डेवलपर है वो उससे देखते हैं कि अगर गोली आपको मान लीजिए यहाँ से लगी है, आपका बॉडी यहाँ पे सेट है, तो अगर गोली ज़्यादा ज़ोर से आई और ऐसे लगी तो आपका जो यहाँ पे झटका लगेगा वो तो ऐसे अंदर घुस जाएगा, लेकिन आपका बॉडी यहाँ पे है और ऐसे अंदर घुस जाएगा तो आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट ला सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उससे डेवलप करके और भी बेहतर करने की कोशिश जारी है। तो अब फ्यूचर में हम दोस्तों हो सकता है काम में ले सकते हैं कार्बन नैनोट्यूब को। तो कार्बन नैनोट्यूब एक केविलर से बहुत बहुत पावरफुल है, जो आप जानते हैं स्टील से इतना पावरफुल है उससे भी बहुत पावरफुल है, तो यह पे दोस्तों हम काम में ले सकते हैं ये कार्बन नैनोट्यूब की। तो कार्बन नैनोट्यूब की इस्तेमाल से और भी हमें इम्प्रूव देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ जानने को मिला है। अगर आपको कुछ भी जानना है इस वीडियो के बारे में या फिर आपको कोई भी कमेंट सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जैसे कि ऐसे वीडियो देख अगर आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।